देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं, और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज़्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था, इस तरह से हमको यहाँ पर नुक्स लिया था लोगों ने। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात किए, तो उन्होंने काफ़ी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमारा बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जब पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय। ससुर सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। अरे यार, हम सबको बोलते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, अरे ससुरा धुका कॉलेज है, कोचिंग में पढ़ने जाता है, सब वो में जाकर फंस जाता है, सब ये सब करने की क्या जरूरत है यार। तू अगर एगो तो धर्म को चौपट करता है लव जिहाद के नाम पर, फिर माँ बाप का नाक कटवाता है सब। अच्छा जरा सोचो, तुम एक मिनट के लिए बस ये सोचो, तो किसी लड़की से तू भाग के, या लड़की है तो लड़का से भाग के तुम लव मैरिज कर लेती हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो कितना बड़का बोंक है रे। जरा सोच, 20 साल बाद जब तुम्हारा लड़का पैदा बड़ा होगा, लड़का तो तू लोग जल्दी ये धाएँ दे पैदा कर देगा, लेके भागेगा लोग तो कि पैदा कर देंगे, लड़की को तो मजबूरी बन जाएगा ब्याह करना। अब बताओ 10 15 साल बाद, 18 साल बाद जब लड़का बड़ा होगा, मैट्रिक इंटर में आएगा, तो तुम सालों ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि तू घूम घूम मोहल्ला में लड़कियों को लाइन, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं रहेगी कि तुम अपने बच्चों को बोलोगे कि तुम लड़कियों को काहे लाइन मारते हो। खुद बोल देगा, ए पापा आप हो तो मम्मी को लेके भागे थे, अब मम्मी बोलेंगे रे पगली के बाप से तो तू फसल थी, सुनेंगे। तो सोचिए, आपका दिमाग तो ठेहुना में है, ठेहुना में। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीज़ें, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से, सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। लड़कियों को एक बात और कहना चाहेंगे आज के दिन, देखिए लड़कियों में कुछ कुछ चीज़ें निगेटिव है। देखिए आप लोग ना दूसरे से अपना कंपेरिजन करने लगते हैं, ऐसा नहीं किया कीजिए। दुनिया का हर आदमी एक दूसरे से यूनिक है, दूसरे को देख के, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर कोई औरत सोना पहनी है तो कोई पुरुष नहीं ध्यान देगा ना कि वो सोना पहनी है कि नकली सोना पहनी है, लेकिन महिला सब उन सब का आँख पता नहीं कैसा तगड़ा होता है, दूरे से देख के जान जाएगी कि ना ये रोल गोल्ड है, ये सोना है। अब एक वो सोना पहन ली तो दूसरा भी कहेगी नहीं हम भी सोना पहनेंगे, अजीब हाल है भाई। आप देखिए कभी मेल हमको देखते हैं, हम आज तक कभी घड़ी नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े हम लोग भी पहनते हैं जो स्टूडेंट पहनते हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सुंदरता गहनों से बने, आप अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए, पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पर जाइए कि जिस गहने को आप पहने ना, तो उस गहने की सुंदरता आपके वजह से बढ़ जाए, ना कि आपकी सुंदरता बढ़ा। बिल्ली रास्ता काटेगी, हमारा अगर ये बात सही रहता ना तो भारत सरकार फौज के जगह पे ना बिल्ली पोसती, 13 लाख फौज का लिए रखे, और वह बिलार को इसे रास्ता कटवा जाए, काट दे काट दे काट दे, आतंकवादी आएगा मरा जाएगा, कोई जरूरत नहीं AK-47 कोई की जरूरत। हमारे पास सेना, पैरा मिलिट्री, पैरा SF कमांडो, NSG कमांडो, गरुड़ कमांडो, सच इतना ही बिलार से कटवाओ ना। BSF रखा गया फौज पे, टोना जादू वाले को रखो, टोना करेगा, ये पाकिस्तान टोना, चाइना टोना, जादू मर जाओ, खजुआ दिनाए। पहले एक आदमी दो गो तीन गो चार गो ब्याह करता था, समझ में आ गई नहीं। पहले की जो लड़की होती थी बहुत सीधी होती थी, सब
एक व्यक्ति दो तीन पत्नी संभाल लेता था, आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो। आजकल 5G आ गया है, आज कोई कहेगा दू गो शादी कर लेगा, अरे बाप रे बाप। मत एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो सोचता था कि शादी क्या चीज है, उसने इसको समझने के लिए शादी कर। अब वो पूछता है विज्ञान क्या होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा, बहुत से चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी, जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका